हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 27 अक्टूबर 2020 और आज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको करेंगे डिस्कस इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 32 गायकों और फीमेल सिंगर की आवाज में भी गा सकने वाले महेश कनोडिया का निधन हो गया है। आपको बताना है कि महेश कनोडिया का संबंध किस फिल्म इंडस्ट्री से था। सही जवाब इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ये गुजराती फिल्मों के म्यूजिशियन और सिंगर थे। गुजराती फिल्मों में इनका योगदान बहुत अधिक माना जाता है। 32 गायकों की आवाज निकाल सकते थे और फीमेल सिंगर की आवाज में भी ये गा सकते थे। नाम था इनका महेश कनोडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहां पर शुरू किया गया है। दो साल में होने वाला जो कमांडर सम्मेलन है ये 29 अक्टूबर तक चलेगा और ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए, याद रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, COVID-19 के टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की मांग करने वाला देश कौन सा है। तो सही जवाब है इसका फ्रेंड्स बांग्लादेश। ऑप्शन बी, बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना, इसको जो है पीएम स्वनिधि योजना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी जून 2020 में और इस योजना के अंतर्गत जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो ₹10,000 तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी गारंटी के। और इस योजना में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक आवेदन आए हैं, यानी कि पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं ग्रैंड प्रिक्स से सवाल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है। सही जवाब इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इन्होंने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक ने किस देश में अपना परिचालन रोक दिया है। किस देश में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना शटडाउन कर दिया है, तो ये देश है श्रीलंका। ऑप्शन ए, और बात यहां पर हो रही है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है आप जानते हैं हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये स्थापित हुआ था 1994 में। वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है संदीप बक्सी। संदीप बक्सी, किस राज्य के द्वारा भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। भाग्य लक्ष्मी योजना ये महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और जेंडर इक्वलिटी की शुरू की गई है, तो यह योजना शुरू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के जो सीएम है उनका नाम है बीएस येदियुरप्पा और जो गवर्नर है वो कौन है, वजुभाई वाला, ठीक है दोनों याद रखना आप। और अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, इसको कहेंगे आप एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ईएसआईएस, यह योजना किस राज्य में शुरू की गई है। सही जवाब है इसका अरुणाचल प्रदेश की योजना है ये। और इस योजना के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी कार्यस्थल पर घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा बीमा होगा। अगर घायल होगा तो उसका उसके चिकित्सा और इलाज में जो खर्चा आएगा वो आपको उसको मिलेगा। और अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को नगद सहायता दी जाएगी। योजना शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो सीएम है पेमा खांडू और इसके जो गवर्नर है वो कौन है, बी डी मिश्रा। भारत का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, तो ये अस्पताल कहां पर बन रहा है। सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी है, अहमदाबाद में। और इस अस्पताल का जो उद्घाटन है वो किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअली, यानी उन्होंने दूर से ही इसका उद्घाटन किया था। तो ये अस्पताल जो है बन गया है अहमदाबाद में, जहां पर बहुत ही उच्च कोटि की सुविधाएं रहेंगी। अस्पताल का नाम है यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, यूएन मेहता हॉस्पिटल जो कि है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ली कुन ही का हाल ही में निधन हो गया, वो किस कंपनी के चेयरमैन थे। ली कुन ही, नाम से लग रहा है कि या तो चाइना के होंगे या फिर जापान के या फिर हो सकते हैं ये साउथ कोरिया के। सही जवाब है इसका साउथ कोरिया के, एक जाने माने व्यवसायी थे और सैमसंग कंपनी के चेयरमैन थे। सैमसंग कंपनी के बारे में बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1938 में। यह एक साउथ कोरियन कंपनी है और वर्तमान में
मोबाइल बिक्री के मामले में भारत में यह दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर Xiaomi है, सबसे अधिक मोबाइल बिकते हैं Xiaomi कंपनी के, जो कि चाइनीज कंपनी है। दूसरे स्थान पर आता है सैमसंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नो मास्क नो सर्विस, यानी कि अगर मास्क नहीं तो सरकारी नौकरी नहीं, कोई भी सुविधा नहीं। इस नीति को लागू करने वाला देश बन गया है बांग्लादेश, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था? तो याद रखना कि विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस दोनों प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। बात यहां पर हो रही है विश्व पोलियो दिवस के बारे में, तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2020 की जो थीम है, ये थीम लगाई गई थी, ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो ये थी 2020 की विश्व पोलियो दिवस की थीम। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। प्रतिदिन अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पर आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ने को मिल जाता है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।